बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? यह एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो है सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो है सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टाइम ड्यूरेशन जो है सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट किया जा सकता। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन रिक्वायर सम टाइम ड्यूरिंग विच द नर्व कैन नॉट बी स्टिम्युलेटेड अगेन। देखिए वो जो सारी प्रक्रियाएं हुई थी रेस्टिंग पोटेंशियल में जो सेल थी न्यूरोनल सेल्स, उसके बाद लिगेंड गेटर सोडियम चैनल्स खुलते हैं और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद रीपोलराइजेशन होता है, कंडीशन जो है हाइपर पोलराइजेशन में चली जाती है। तो वो जो चार पांच प्रक्रियाएं हो रही थी सेल में उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। और जिस समय में वो सब चीज़ें होंगी, मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, फिर उसी टाइम में आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि पटरी पे आप दो ट्रेनें छोड़ दो, ठीक है, साथ साथ नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले एक जाएगी तो फिर जो है पटरी जो है स्टेबल होगी, उसके बाद जो है सेकंड जो है ट्रेन आप छोड़ोगे या सिग्नल क्लियर होगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो न्यूरोनल सेल्स जो है दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आ जाए, दोबारा जो है -70 mV मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, एक बार रेस्टिंग कंडीशन में आ जाए सेकंड एक्शन पोटेंशियल, दोबारा उस न्यूरोनल सेल को स्टिमुलेट तभी किया जा सकता है। तो वो जो समय है जो लगता है इस सारे प्रोसेस में कि न्यूरॉन एक बार एक्टिव हुई, एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, उसके बाद वो सिग्नल आगे गया और कंडीशन दोबारा जो है स्टेबलाइज हो गई, दोबारा कंडीशन जो है तैयार हो गई कि अब जो है सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, साइकिल, जैसे हमने साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी करते हैं, तो जैसे आप एक साइकिल को गिराते हो तो धीरे 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 जो है अंत तक जो है साइकिल जो है गिरती चली जाती है। अब साइकिल को अगर आपको दोबारा गिराना हो तो पहले साइकिल को दोबारा खड़ी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप साइकिल दोबारा मतलब रीस्टेबलाइज दोबारा उसको उसी पोजीशन में लाया जाता है न्यूरोनल सेल्स को, वही टाइम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो आप इसमें लिख भी सकते हो द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन रिक्वायर सम टाइम। इस पूरे प्रोसेस में रिपोलराइजेशन मतलब दोबारा पोलराइज कंडीशन का आना, ठीक है। देखो पहले जो न्यूरोनल सेल होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। पहली स्टेट क्या होती है? पोलराइज स्टेट होती है पहले। फिर जब न्यूरोनल सेल को स्टिमुलेट किया जाता है तो कंडीशन कैसी आ जाती है सेल की? डीपोलराइज हो जाती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? डीपोलराइजेशन। इसके बाद इसको वापस लाने की कोशिश की जाती है तो कंडीशन कैसी आ जाती है? हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन से दोबारा इसको रेस्टिंग पोटेंशियल पे ले जाया जाता है, तब हम इसे क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन।
तो ये जो समय लगता है, पहले सेल जो है पोलराइज स्टेट में होती है, उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन होता है, तब जा कर के ये जो है दोबारा रीपोलराइज होती है, मतलब पोलराइज स्टेट में आ जाती है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है ये समय मांगती है, और इस समय जो है आप दोबारा कोई स्टिमुलस जो है इस न्यूरोनल सेल को नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब साइकिल को आपको अगर गिराना है दोबारा, तो वो उसको पहले आपको खड़ी करना पड़ेगा वन बाय वन, है ना। तभी तो आप सेकंड बार उसको धक्का दे के गिरा सकते हो, समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। सेल एक बार रेस्टिंग स्टेट में आ गई दोबारा, तब उससे जो है दूसरा स्टिमुलस पास ऑन किया जा सकता है। उस समय जो है केवल एक ही एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, उसके बाद जब वो वहाँ से गुजर जाएगा दोबारा जो है, तब जा कर के हम दूसरा एक्शन पोटेंशियल वहाँ से फायर करा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो टर्म पढ़ने को मिलेगी रिफ्रैक्टरी पीरियड में, एक तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। एक तो है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वो समय है जब आप किसी भी हालत में सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। जब आप जो है किसी भी हालत में सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकते, चाहे दूसरे स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, कितनी ही जो है इंटेंसिटी उसकी तेज क्यों ना हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आप जो है सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में सेकेंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टिमुलस जो दूसरा दिया जाएगा वो पहले वाले से स्ट्रोंगर होना चाहिए, पहले वाले से स्ट्रोंगर होना चाहिए, ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, समझ में आ गया। एब्सोल्यूट है पहला, दूसरा है रिलेटिव, दो टर्न पढ़ने को मिली। एब्सोल्यूट में आप जो है किसी भी हालत में सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करवा सकते, रिलेटिव में फ़र्क बस इतना है कि सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा, लेकिन कंडीशन यह है कि जो दूसरा स्टिमुलस हम देंगे वो पहले वाले से तेज होना चाहिए, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो है टर्म हमें पढ़ने को मिली इसमें, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में, ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड है जैसे फर्स्ट स्टिमुलस दिया, उसके बाद अगर सेकंड स्टिमुलस भी जो है सेम स्ट्रेंथ का है तब भी वो जनरेट नहीं होगा, जनरेट तभी होगा जब अगर स्ट्रॉन्गर जो है स्टिमुलस दिया जाए सेल को, स्टिमुलस समझते हो ना, उसको एक्साइट करना, समझे नहीं, जगाना सेल को, जैसे सुबह सुबह मम्मी थप्पड़ मार के जगाती है ना, तो वही जगाना है न्यूरोनल सेल को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे एक थप्पड़ मारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में, इसकी बात चल रही है, एक थप्पड़ मारा तो उसका जो है
मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे वाले का हमें पता तभी चलेगा, सपोज करो दूसरे वाले का हमें तभी पता चलेगा जब उसकी तीव्रता पहले वाले से ज़्यादा हो, तभी तो फ़र्क पहचानोगे आप कि सेकंड वाला थप्पड़ थोड़ा ज़्यादा जोर से खाया था हमने। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है हाइपर पोलराइजेशन का, और हाइपर पोलराइजेशन में जो है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ये पीरियड की बात चल रही है जब न्यूरोनल सेल हाइपरपोलराइज कंडीशन में है, और एब्सोल्यूट में क्या है, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इनएक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, मेरे कहने का मतलब यही है। बस वो साइकिल वाला जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट है, अगर आपको साइकिल को दोबारा गिराना है तो सबसे पहले आपको साइकिल को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर रहे हैं आप जो है धीरे धीरे वन बाय वन साइकिल को खड़ी करते जा रहे हैं, तो थोड़ी दूर तक पहुंच गए, अब पीछे से आप गिराना शुरू कर दो। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरह से है।